दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने चुनावी घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े दावे किए थे, जिसके भरोसे जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को सूबे की कमान सौंपी, जिसके बाद सभी की नजरें टिकी थी सरकार के बजट पर, जो आज वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में पेश किया। तो दिल्ली सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकला खास, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र बुलाया, जो सिर्फ कुछ घंटे ही चला, और इस दौरान सरकार ने जहां अपनी उपलब्धियों का बखान किया तो वहीं दिल्ली वासियों के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया। जी हां, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली विधानसभा में 60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछली बार की तुलना में इस बार दिल्ली का बजट 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी के साथ उन्होंने कहा, शिक्षा पर 1/4 बजट खर्च किया जा रहा है, स्कूल अच्छे बनाए गए हैं, मगर शिक्षा का स्तर केवल अच्छी इमारतें बनाकर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सरकार शिक्षा में सुधार पर भी जोर दे रही है। इससे पहले वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर साल 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण भी रखा। इस दौरान उन्होंने कहा, वो ऐसे समय में बजट रख रहे हैं जब पूरा विश्व परेशानी से जूझ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार की पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। उन्होंने कहा, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, वैसे हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाएगा, मुफ्त स्कीम्स को आगे जारी रखने पर भी लगी मुहर, पानी और बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी, बिजली पर 2,820 करोड़ की राशि सब्सिडी पर दी जाएगी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 250 करोड़ दिए जाएंगे, दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के निर्माण के लिए 2400 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम का ऐलान किया गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है, दिल्ली में शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास योजना, दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू करेगी, कई अस्पताल बनाए जा रहे हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 20,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे, बच्चों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस पर 12 करोड़ की राशि खर्च होगी, डिजिटल क्लासरूम बनाने पर 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हैप्पीनेस क्लास और उद्यमिता और देशभक्ति पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा, वरिष्ठ कक्षाओं के लिए अखबार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि शिक्षा में सुधार के लिए दिल्ली के लिए अपना राज्य बोर्ड बनेगा, ताकि इसमें नई नई चीजों का समावेश किया जा सके। इसके अलावा मौजूदा हालात से लड़ने के लिए भी इस साल के लिए 3 करोड़ की राशि और अगले वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने सफाई कर्मियों का बकाया वेतन देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि वेतनमान नहीं मिलने की स्थिति में सफाई कर्मियों को आर्थिक दिक्कत पेश आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के मौजूदा हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जिसके चलते 6 दिनों तक चलने वाले विधानसभा सत्र को सिर्फ 1 दिन के लिए ही बुलाया गया और आज ही बजट पेश कर दिया गया। अब ये बजट दिल्ली वासियों को कितना पसंद आता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।